नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अफगानिस्तान के कंधार में सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर कर रहे भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई। दानिश की मौत पर देश ही नहीं विदेश के भी कई नेताओं ने दुख जताया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, CPIM के नेता सीताराम येचुरी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, अमेरिका ने भी दानिश की मौत पर दुख जताया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस से लेकर तालिबान तक ने इस मौत पर दुख जताया है। लेकिन जिस देश का पत्रकार मरा उस देश के प्रधानमंत्री ने ही फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर चुप्पी साध रखी है। जी हां, पीएम मोदी ने अब तक दानिश सिद्दीकी की मौत पर कुछ नहीं कहा और ना ही कोई ट्वीट किया और अब तक मौन है। क्या पीएम मोदी के पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर दुख ना जताने के पीछे कोई वजह है? बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जान लीजिए किसने क्या कहा। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, दानिश सिद्दीकी के परिवार और मित्रों के प्रति मेरी संवेदना है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि वो दानिश के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द घर वापस लाने की व्यवस्था करे। वहीं CPIM महासचिव सीताराम येचुरी ने दुख जताते हुए ट्वीट किया, दानिश सिद्दीकी की मौत हैरान करने वाली और असामयिक है। वो सबसे तेजी से उभरते फोटो पत्रकारों में से एक थे। यूनाइटेड नेशन में भी भारत ने पत्रकार दानिश सिद्दीकी की मौत पर दुख जताया और ये मुद्दा उठाया। वहीं पत्रकार विनोद कापड़ी ने भी दानिश सिद्दीकी की मौत पर दुख जताया, साथ ही ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की खामोशी पर भी निशाना साधा और लिखा, प्रधानमंत्री मोदी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति जिस पत्रकार की मौत को लेकर सदमे में है वो आपके ही देश का पत्रकार है, कभी तो प्रधानमंत्री की तरह बर्ताव करें। बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या पर संवेदना व्यक्त की है। अशरफ गनी ने कहा कि कंधार में तालिबान के अत्याचारों को कवर करते हुए रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के मारे जाने की चौंकाने वाली खबरों से मुझे गहरा दुख हुआ। दानिश सिद्दीकी की मौत पर अमेरिका ने भी दुख जताया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने ट्वीट करते हुए लिखा, पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के निधन से गहरा दुख हुआ। दानिश सिद्दीकी की हत्या पर तालिबान ने भी बयान जारी किया। तालिबान ने दानिश सिद्दीकी की मौत के पीछे अपनी भूमिका से साफ इनकार किया है, साथ ही तालिबान ने मौत पर दुख भी जताया। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी खामोश क्यों है? ये कोई मामूली फोटो जर्नलिस्ट नहीं था। दानिश सिद्दीकी को उनके बेहतरीन काम के लिए 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुलित्जर से सम्मानित किया गया था। ऐसे में पीएम मोदी की खामोशी सवाल खड़े करती है, क्योंकि जिस तरीके से रोहिंग्या शरणार्थियों, शाहीन बाग और जामिया में फायरिंग को लेकर दानिश ने अपनी फोटोग्राफी से सरकार को उजागर करने की कोशिश की थी, कहीं ये चुप्पी उसी का नतीजा तो नहीं है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।